नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन प्रेस करके तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं से कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स एंड नेवी आर्मी के बारे में वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ दोस्तों। एंड और एक मैं आपको बात बता देता हूँ कि आप मेरे को फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर ऐड कर सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप मेरे को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं बात करूंगा दोस्तों नाभिक डीबी के कट ऑफ के बारे में। तो जैसे मेरे को कल बहुत सारे कमेंट आए थे, मैसेज भी आया था कि मेरा 79% है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ तो मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, आपका कैसे आ गया। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि नाभिक डीबी का जो कट ऑफ होता है वो स्टेट वाइज निकलता है, ठीक है। जैसे मान लो आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। उधर से लोग ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो उधर का जो कट ऑफ जाता है ना वो हाई जाता है, ठीक है। और जैसे मान लो त्रिपुरा हो गया, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो गया, जैसे मिजोरम हो गया, उधर से लोग कम लोग अप्लाई करते हैं, तो उधर का कट ऑफ भी लो जाता है। जैसे कल मेरे को बोल रहे थे लोग मेरा 80% है तो मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, तो सेम ही चीज़ अप्लाई होता है कि उधर से लोग ज़्यादा लोग अप्लाई करें इसलिए कट ऑफ हाई गया, इसलिए आपका नहीं आया। लेकिन आसाम से कोई बंदा अगर 80% भी करता है, 10th में 80% भी है उसका, ठीक है, और वो अप्लाई करता है तो उसका आ जाता है, ठीक है, क्योंकि आसाम से लोग कम अप्लाई करते हैं नाभिक डीबी के लिए। तो यही बात मैं आपको बताना था, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो पर, थैंक यू।